नवरात्रि के पावन पर्व पर एबीकेएमएस फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ सढ़ोल द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काई समाज के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन के द्वारा गरबा कार्यक्रम के साथ साथ महिलाओं का सोलो डांस, बच्चों का सोलो डांस और कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सुनीता श्रीवास्तव, रचा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, निधि सिन्हा, श्रद्धा श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, आशा रेणु आदि लोग भी उपस्थित थे। मेरे यहाँ नवरात्रि पर्व एक का गरबा का प्रोग्राम रखा था, पर सभी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही सराहनीय कार्य था। बहुत ही बेहद खुशी हुई क्योंकि मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया। उसके लिए मैं अपनी बहनों का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नवरात्रि पर्व की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गरबा के साथ साथ और क्या आयोजन हुआ था? गरबा के साथ हम लोग यहाँ कुश्ती रेस का, महिलाओं का, सभी बहनों के साथ हम लोग ने कुश्ती रेस खेली। उसके साथ ही बच्चों का प्रोग्राम भी रखा, बच्चों ने भी कुश्ती रेस में भाग लिया और सोलो डांस वगैरह हुए, सोलो गाने हुए और उससे विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने गतिविधियाँ कराई। बहुत अच्छा समय सराहनीय काम किया, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज हमारे शहडोल में अखिल भारतीय महासभा की महिला टीम के द्वारा गरबा रास का आयोजन किया गया था। इसमें हम लोगों ने सबने गरबा का कार्यक्रम किया, बहुत ही सबने भाग लिया और बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी बहनों को, सभी लोगों को गरबा की और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।